लंच के बाद 5 घंटी लगी थी, तो सब मेरा सर दर्द कर रहा था। मैं राहुल के सर पे सर रख के सो गया था, सर दर्द कर रहा था काफ़ी, तो सब हल्ला कर रहे थे पीछे वाले का बेंच के, मैं भी पीछे से तीसरी चौथी सीट पे हूँ। तो उसके बाद जोगिंदर सर अचानक से आए, बोले अभिषेक प्रजापति खड़े हो जाओ, मेरे साथ 6 लड़कों को और खड़ा कर दिए। तो मैंने इतना पूछा, सर मैंने किया क्या है? उस पर सर ने मुझे 2 पड़ाका मारा। तो मैंने बोला सर आपको मारना है तो आप मारिए, लेकिन बता के मारिए गलती क्या है। तो इस बात पर उन्होंने और मारा। तो मैंने बोला, फिर मेरा बाल पकड़िए, मैं बोला सर बाल छोड़ दीजिए मेरा, अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, मेरे को मारिए मत, जो बात है मेरे पापा को बुला दीजिए। तो उस पर उन्होंने और मारा, और मुझे अभिषेक यादव को पकड़ने के लिए उसने, सर जी ने मुझे को हल्का ढकेला, और उन्होंने ढकेला तो वही बेंच का कॉर्नर से चोट लग गया मेरे को। और उसके बाद जो 5 लड़के और थे उनको भी उन्होंने मारा था। आपका बालक जो है एक्सरे रूम में है, मैं जब आया एक्सरे रूम में तो देखा तो जो उनके क्लास टीचर थे जोगिंदर सिंह, जोगिंदर लाल सिंह, उन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा चीना चपटी में लोगों को चोट लग गया है। इसके बाद जो एक्सरे हुआ, एक्सरे के बाद इमरजेंसी में दिखाया गया, और इमरजेंसी में दिखाने के बाद जो है एडमिट हो गया, क्योंकि बच्चा उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि इतनी गंभीर चोट ऐसे कैसे लग सकती है, लेकिन मुझे मास्टर जी ने बताया नहीं। तो क्या अभी क्या कार्रवाई मतलब चाहते हैं? अभी मैं अभी कोई कार्रवाई नहीं किया हूँ, मैंने प्रिंसिपल साहब को बुलाया था और प्रिंसिपल साहब आए हैं, इंक्वायरी किए हैं, तो बोले अगर दोषी होगा तो मैं उनको कड़ी से कड़ी अनुशासन की कार्रवाई करूँगा, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। जिस शिक्षक के बारे में बात की जा रही है, कभी उनकी इस तरह की कभी शिकायत मिली नहीं। बच्चों से भी इंक्वायरी करने पर ये पता चला कि कभी इस तरह का व्यवहार होता नहीं। मुझे देखना पड़ेगा कि अप्रत्याशित किस्म का व्यवहार टीचर ने क्यों किया, ठीक है, और ये इसकी तह में जाऊँगा। यदि देखा जाएगा कि यदि पाया जाता है कि टीचर पूरी तरह से गलती पर है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और ये सुनिश्चित किया जाएगा ऐसी घटना पुनः घटित न हो। मेरे कार्यकाल में कभी इस तरह की घटना घटित नहीं हुई है।